आज माधव विद्या विहार ऑनलाइन क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्कबुक सॉल्यूशन फिफ्थ स्टैंडर्ड चैप्टर टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पोएम टू टीम वर्क. ओके, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर वन इज व्हाट कैन वी डू इफ वी वर्क टुगेदर. हम साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा. द आंसर इज इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम्स एंड शेयर देम. अगर हम साथ मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, हम हमारे ड्रीम्स बनाएंगे और उनको शेयर भी करेंगे. मीन्स हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे साथ मिलके टीम बना के काम करेंगे तो. सेकंड क्वेश्चन इज इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल व्हाट विल हैपन इफ नोबडी पासेस द बॉल. अब बास्केटबॉल में क्या होता है कि बास्केटबॉल जब आती है एक के पास तो वो दूसरे के पास पास करता है, फिर दूसरा वो जो उसके बास्केट के नज़दीक हो उसको पास करता है, फिर वो जो नज़दीक होता है वो बॉल लेके और वो रिंग में डालता है. अगर एक दूसरे के पास ही नहीं करेंगे तो बॉल आगे कैसे बढ़ेगी. तो राइट डाउन आंसर इफ इन ए गेम ऑफ बास्केटबॉल इफ नोबडी पासिस द बॉल देन नोबडी शूट्स. कोई भी शूट उसको कर ही नहीं पाएगा तो फिर गोल भी नहीं बनेगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन कैन ए रिले रेस नॉट गो ऑन. रिले रेस गो ऑन कब नहीं होगी, मीन्स कंटिन्यू कब नहीं बनेगी. इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन ए रिले रेस कैन नॉट गो ऑन. जब रिले रेस की जो बैटन हाथ में होती है वो कोई भी एक दूसरे को पास नहीं करेगा तो रिले रेस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, गो ऑन नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज अ बिग प्लस. बिग प्लस क्या है, तो व्हेन यू एंड मी बिकम्स अस मीन्स वर्क टुगेदर इज़ अ बिग प्लस. मैं और तुम दोनों मिलके जब हम बन जाएंगे और हम साथ मिलके काम करेंगे मीन्स वर्क टुगेदर इज़ अ बिग प्लस. वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, मीन्स बिग प्लस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट ऑप्शंस. ए बी सी में से एक करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है. व्हाट इज़ नीडेड टू मेक अवर ड्रीम वर्क. ड्रीम वर्क के लिए क्या करना है, तो टीम वर्क ए इज़ करेक्ट आंसर. इन बास्केटबॉल इफ नोबडी डैश नोबडी शूट्स तो पासिस बी करेक्ट आंसर. नाउ थर्ड इज ए रिले रेस कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज इन अ टीम वी मस्ट फोकस ऑन कॉमन गोल. कॉमन गोल यानी हमको अपना अपना गोल नहीं देखना है, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं तो पूरी टीम का गोल क्या है यानी कॉमन गोल क्या है हमको वो देखना है. ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ आंसर्स आर फर्स्ट में ए, सेकंड बी, थर्ड सी एंड फोर्थ डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर वन इफ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन व्हाट हैपेंस टू नोबडी शूट्स. ये पोएम की लाइंस है, आप टेक्स्ट बुक में पोएम देखोगे तो ये लाइंस यहाँ पे कंप्लीट होती है. Now second is in a relay race if no one passes the baton then a relay race can't go on. Okay, now question number 4 write the rhyming words from the poem. Done to everyone, on to uska aayega baton, whole goal plus us. Okay, now turn page. Write the meanings of the words. Meanings teamwork. तो combined effort of a group. Combined effort of a group यानी combine यानी साथ मिलकर जब काम करते हैं तो उनकी जो कोशिशें होती है ग्रुप की उसको बोलते हैं टीम वर्क. कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप. नाउ सेकेंड इज टू पास टू मूव ऑनवर्ड आगे पास करना. नंबर थ्री बैटन शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस. रिले रेस में जो शॉर्ट स्टिक हाथ में लेके जाते हैं और वो पास करते हैं उसको बैटन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज गोल तो दैट इज टारगेट और एम. नाउ नेक्स्ट इज प्लस तो उसकी मीनिंग होती है ऐड. हियर अवर पोएम टू टीम वर्क वर्कबुक सॉल्यूशन वी हैव कंप्लीटेड. इन नेक्स्ट video I will send you flying together unit 2 workbook solution. Okay, till then bye bye.